क्वेश्चन क्या है आपके पास, सिन एडिशन का जो एन मिथाइल ट्वाइस और फिनाइल ग्रुप है और उसी के पास ओ माइनस भी है, उसको हम अगर हीट करते हैं तो इलिमिनेशन ई वन रिएक्शन होती है और आपको ए मिलता है 98%, एंड एंटी एडिशन करते हैं तो आपको ओ सबसे मिलता है कि पीएच पहले कंपाउंड में नियर टू द ऑब्जर्वर है, पीएच इन द सेकंड कंपाउंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो हीट के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलता है बी, तो ओ होता है 85%। तो पी क्यू प्रोडक्ट ए बी अब दो रिएक्शन कौन से होंगे, कौन से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू क्यू, और ए इज इक्वल टू पी और बी इज इक्वल टू क्यू, और ए इज इक्वल टू क्यू और बी इज इक्वल टू पी। नथिंग टू शेयर हेयर। सो प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ द अबव रिएक्शन इज, व्हेन वी आर यूजिंग दिस सिन कंडीशन में हम हीट करेंगे तो 98% आपको ए मिलेगा। तो प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द सी। क्या होता है कि इन कोप इलिमिनेशन और सीन इलिमिनेशन हाइड्रोजन आपको क्या मिलता है, NME2। ओके, जो भी आपका नियर टू द ऑब्जर्वर कंपाउंड्स है वो क्या करेंगे, NME2 ओ माइनस, ओ माइनस का हम H प्लस जो है आपकी नेबरिंग कार्बन का उसका निकालकर ओ एच माइनस कर वापस लेकर जाएंगे। उसी वक्त आपका जो N प्लस है उसको मेंटेन करने के लिए उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे और जो एक लोन इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो भर देंगे। तो आपको इन कोप इलिमिनेशन एंड सिन इलिमिनेशन आपको ए मिलता है ओ माइनस एन एम ई टू, और मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑन दैट रिएक्शन प्रोसीड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप, जो कि आपको सिन कंडीशन में देखा जा देखने को मिलता है कि बोथ द ग्रुप्स और बोथ द सब्स्टिट्यूशंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो डेफिनेटली आपका जो एन एम ई ट्वाइस होगा और जो एच होगा और फिनाइल ग्रुप होगा वो ऑन द सेम साइड होंगे, लेकिन उसी वक्त अगर आप अपोजिट और एंटी एडिशन की बात करते हो तो आपको एक ऑन द नियर अपोजिट साइड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन आर अटैच ऑन द और सब्स्टिट्यूट ऑन द एंटी एडिशन टाइप, यानी कि अपोजिट साइड पर हो जाएंगे। तो पीएच अगर आपका नियर टू द ऑब्जर्वर है तो NME2 होगा तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द